सच, साहस, सरोकार। मिशन 2024 में जुटी सपा, बीजेपी के बूथ जीतो चुनाव जीतो मंत्र की तर्ज पर अब सपा भी है। जामा मस्जिद विवाद में आज सुनवाई टल गई है। विजय कुमार बने यूपी के कार्यवाहक डीजीपी। ब्रजेस पाठक ने जिला अस्पताल का किया निरीक्षण। ब्रजेस पाठक ने की बड़ी कार्रवाई की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। बीजेपी के बूथ जीतो चुनाव जीतो मंत्र की तर्ज पर अब सपा भी चलती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सपा ने बूथ स्तर पर फोकस करना शुरू कर दिया है। बूथ स्तर पर नए सिरे से कमेटियों का 20 जून तक गठन का लक्ष्य रखा गया है। दूसरी ओर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर प्रशिक्षण शिविर लगाने का फैसला लिया गया है। शिविर में मुख्य रूप से बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। पहला प्रशिक्षण शिविर 4 से 5 जून को लखीमपुर खीरी में होगा। प्रशिक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट, बूथ सत्यापन, बूथ स्तर की रणनीति, वोटर लिस्ट से जुड़े काम, वोटर से संपर्क बनाने की बारीकी को सिखाया जाएगा। प्रवक्ता उदयवीर सिंह के सपा की नई रणनीति पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर चुनाव बूथ पर होता है और वोट भी बूथ पर ही पड़ता है। निचले स्तर पर कार्यकर्ता संदेश के जनता के बीच ले जाने का काम करते हैं। नेता का संदेश और कार्यकर्ताओं की मेहनत किसी भी पार्टी की मजबूती होती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 2 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे। दौरे के आखिरी दिन बुधवार को उन्होंने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का भी उन्होंने निरीक्षण किया। साल भर से जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने के सवाल पर उन्होंने आश्वासन का झुंझुना फिर पकड़ा दिया। उन्होंने कहा बहुत जल्दी होगा। वहीं भाजपा के घर घर जाने के महासंपर्क अभियान के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र के 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा हो गए हैं। घर घर जन जन तक पहुंचेंगे, संपर्क अभियान के साथ जनसभाएं भी होंगी, केंद्र की सभी योजनाओं की जानकारी देंगे। केंद्र और प्रदेश के नेता पूरे प्रदेश में जुट करके बताएंगे कि नरेंद्र मोदी की वजह से दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र के 9 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर महाजनसंपर्क अभियान के माध्यम से घर घर जन जन तक पहुंचेगी। केंद्र की सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे। संपर्क अभियान के साथ साथ जनसभाएं भी होंगी और सभी हमारे केंद्र के नेता, प्रदेश के नेता पूरे प्रदेश में जुट करके जन जन को इस बात का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस ढंग से देश और दुनिया के पैमाने पर भारत का सम्मान बढ़ा है, घर घर जाकर के बताएंगे। अब भारत एक बदलता हुआ भारत है। भारत 2047 के लिए तैयार हो रहा है। 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष हम मना रहे होंगे, तब दुनिया की जो तीसरी ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर में हमारे साथ संवाददाता आशुतोष जुड़ेंगे। आशुतोष, सुल्तानपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण भी किया, क्या कुछ निर्देश दिए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं डिप्टी सीएम का जो है, पाठक का जो है, यहाँ पे 2 दिवसीय दौरे का भ्रमण रहा है। यहाँ पे भ्रमण के दौरान जो है आज जिला सबसे पहले यहाँ का सुल्तानपुर में सलामी दी गई। सलामी के बाद जो है प्रशासनिक द्वारा जो है बैठक भी हुई। अधिकारियों के साथ बैठक के बाद जो है जिला अस्पताल पहुंचे, जहाँ पर जो है एक निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का जो है निर्माण हो रहा था, निरीक्षण किया। उसके निरीक्षण के दौरान वहाँ पे जो कमियां पाई गई, वहाँ पे एक फटकार भी लगाया गया। उसको कहा गया इसको जो है सही सलामत जो है इसको मरम्मत करने की जो है तैयारी की जाए। इसी साथ साथ जो है और भी तमाम जो है यहाँ पे जो भ्रमण के दौरान जो भी समस्या जो भी चीज दिखाई दिया है उनको जो है वहाँ पे कहा गया उसको सुधारने के लिए इस तरह जो है लेके चला गया यहाँ पे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष।
आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान केशव देव की मूर्तियां दबी होने का मामले में आज सुनवाई होनी है। आज सभी कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। न्यायालय द्वारा इस संबंध में संबंधित पदाधिकारी एवं संस्थानों को जवाब देने के लिए नोटिस भेजा गया था। इनमें न्यायालय ने सचिव इंतजामिया कमेटी शाही मस्जिद आगरा फोर्ट, छोटी मस्जिद दीवाने खास, जहांगरा बेगम मस्जिद आगरा फोर्ट, अध्यक्ष यूपी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ एवं सचिव श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान को नोटिस दिया गया था। सभी को 31 मई 2023 तक इस संबंध में अपना पक्ष रखना है। मैं मनोज पांडे, अध्यक्ष का नाम है श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा समिति। एक बात दायर किया था आपने, जी, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में ये सब की मूर्तियां बताई थी, जी। नोटिस जारी हुए थे कुछ लोगों को, आज सुनवाई, क्या पूरा मामला है इसका? उसमें नोटिस, चार आदमियों को नोटिस इशू करे थे, जिसमें दो के इशू हुए, दो के अभी जो है नहीं हो पाए हैं, जिसको आज जज साहब ने दोबारा पुनः करा है, और सर्वे अमीन के लिए जो है 11 जुलाई डेट नियत की है, जिसमें उम्मीद जता रहे हैं अब आने वाली तारीख 11 जुलाई को जो है हमारे पक्ष में होगा, जो भी होगा अमीन सर्वे, और अमीन सर्वे हमारे पक्ष में आएगा, अमीन सर्वे पे बैठ। ब्रजेंद्र सिंह रावत, अध्यक्ष आगरा कंटेंट बार एसोसिएशन आगरा, और संयोजक श्री कृष्ण जन्मभूमि विग्रह संरक्षित समिति ट्रस्ट। आज न्यायालय में हम लोगों ने अपनी पूरी बात रखी। जो चार लोगों को नोटिस न्यायालय से जारी हुआ था, तो उसमें दो लोगों को सर्विस हो गया है, तो हम लोगों ने कंप्यूटर से पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजी थी, तो कंप्यूटर की डिटेल उनको दाखिल की, तो दो लोगों पर तामीला उन्होंने मान लिया जज साहब ने। अब दो लोग रह जाते हैं, एक तो बच्चा। बता दें कि आगरा की जामा मस्जिद विवाद में एक बार फिर से सुनवाई टाल दी गई है, 11 जुलाई को अगली तारीख रखी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता जिशान अहमद जुड़ेंगे। जिशान, आगरा की जामा मस्जिद विवाद की सुनवाई जो है एक बार फिर से टाल दी गई है। देखिए नंदिनी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने यह दावा किया था कि आगरा की शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां दबी हैं, तो उन्होंने साफ तौर से यह दावा किया था, और कोर्ट में एक वाद भी दाखिल किया था, एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें 31 तारीख को सुनवाई होनी थी। चारों पक्षों को कोर्ट ने एक नोटिस दिया था, उसके बाद से आज यानी 31 तारीख को सुनवाई होनी थी, लेकिन दो पक्षों को कोर्ट का नोटिस था वो तामील नहीं हो पाया, इसको लेकर सुनवाई टाल दी गई थी। ये हम आप साहब, जिन्होंने दावा किया है कि इस सीढ़ियों के नीचे भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां दबी हुई हैं, लेकिन जो आप साफ तौर से आज कोर्ट में जो बात सामने आई है, आपको साफ तौर से बता दें कि जो चार लोगों को नोटिस दिया गया था, जिसमें कि यूपी सुन्नी बोर्ड को नोटिस नहीं मिला, और जो भगवान श्री कृष्ण जो ट्रस्ट कमेटी है उसको भी नोटिस नहीं मिला, इसलिए कोर्ट ने ये सुनवाई 11 तारीख के लिए टाल दी है। जी, अब क्या कुछ इस मामले पर अगली कार्यवाही हो सकती है, क्योंकि सुनवाई तो टल गई है? देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो देवकी नंदन ठाकुर हैं, उन्होंने ये दावा किया था कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां हैं, तो इस जगह जो शाही जामा मस्जिद की सीढ़ियां हैं, इसका पूरा सर्वे किया जाए, और उसको खुदवा कर जो भगवान श्री कृष्ण की अगर मूर्तियां निकलती हैं, तो उसको हम मूर्तियां ले जाकर मथुरा में स्थापित करेंगे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं, ये पहले जो ठाकुर थे उन्होंने ये मुस्लिम समाज से अपील भी की थी कि वो गंगा यमुना तहजीब के तहत हमें यहाँ की खुदवाई करने दी जाए, और उसके बाद से जो मुस्लिम समाज और हिंदू समाज की गंगा यमुना तहजीब है उसको बरकरार रखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद देवकी नंदन ठाकुर के द्वारा जो कोर्ट में याचिका दाखिल की है, उसमें आज सुनवाई होनी थी, लेकिन जो दो पक्षों को तामील नहीं मिल पाई, इसको लेकर कोर्ट ने अगली तारीख दी है, 11 तारीख को उसकी सुनवाई होगी, और सर्वे में ये कोर्ट तय करेगा कि हालांकि जामा मस्जिद का सर्वे किया जाता है या नहीं, इस जामा मस्जिद की सीढ़ियों की खुदाई की जाती है नहीं, ये समय बताएगा। जिशान, चार पक्षों को बुलाया गया था अपना अपना पक्ष रखने के लिए।
जी हाँ, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, जो इस्लामिया लोकल एजेंसी कमेटी है, इंतजामिया कमेटी, एक उसको नोटिस दिया गया था, और दूसरा नोटिस जो छोटी मस्जिद है उसको दिया गया था, तीसरा नोटिस जो दिया गया था वो यूपी बोर्ड सुन्नी बोर्ड को नोटिस दिया गया था, इसके बाद एक चौथा नोटिस जो दिया गया था जो भगवान श्री कृष्ण ट्रस्ट कमेटी है, जो देवकी नंदन ठाकुर के द्वारा ये कमेटी गठित की गई है, उसको नोटिस दिया गया था। हालांकि इसमें दो लोगों को नोटिस मिल गया और दो लोगों को नोटिस नहीं मिल पाया, इसलिए कोर्ट ने इसकी तारीख 11 तारीख तय कर दी है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जीशान। मैनपुरी में चिकित्सक ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण लिखने के लिए 15,000 रुपए रिश्वत के तौर पर लिए। ये आरोप मृतक बच्चे के पिता ने चिकित्सक एवं ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों पर लगाया है। वहीं समाजवादी पार्टी से एमएलसी मुकुल यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार की नींव मजबूत हुई है। किसी भी रिश्वतखोर आला अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई जनपद मैनपुरी में देखने को नहीं मिल पा रही है। इससे मैनपुरी अफसरशाही खेमे में उत्तर प्रदेश सरकार का कोई खौफ नहीं है। पोस्टमार्टम के लिए पैसे मांगने के मामले में डिप्टी सीएम ने की बड़ी कार्रवाई की है। जानिए पूरा मामला। प्रदेश में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। ऐसे ही एक मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ी कार्रवाई की है। बारिश हुई थी, उसमें बच्चा गया था खेत पर आम बीनने के लिए, तो वहाँ पेड़ के नीचे आम बीन रहा था, तो अचानक बिजली, आकाशीय बिजली गिरी उस पर, तो उसकी मृत्यु हो गई। उसको गांव के बच्चे लेके आए घर पे, तो देखा तो मृत के अवस्था में था, मौके पर ही मृत हो गई थी। तो यहाँ पे फिर तहसील में चौकी इंचार्ज महोदय के लिए सूचना की गई, तहसीलदार महोदय भी आए, चौकी इंचार्ज भी आए, उन्होंने घटना की चेकिंग की। उसके बाद चौकी इंचार्ज जी ने पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए मैनपुरी भेजा। पानी बरस रहा तो पहले आंधी आई, आंधी के बाद फिर पानी बरसने लगा, फिर उसके बाद फिर मेरा बच्चा था वो हाथ में चला गया आम से, हम ये बीनने के लिए, तो उधर से वो ऊपर से आकाश से वो बिजली गिरी, उससे उसकी मृत्यु हो गई है। फिर क्या हुआ? फिर गया, फिर यहाँ पर जब माँ से बच्चा जाग लेके आए, फिर पुलिस द्वारा फिर यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए मैनपुरी ले गए। वहाँ पहुँचे तो माँ पर पहुँच गए, फिर वहाँ से कागज़ पहुँचे, फिर उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए मैं भेजा था मैनपुरी। तो बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए परिजनों से बड़ी रकम मांगे जाते थे, जिस मामले में ब्रजेश पाठक ने इस पर बड़ी कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दें कि वार्ड बॉय और चौकीदार की सेवा समाप्त कर दी गई है। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक थाने में बीती रात नशे में धुत स्कॉर्पियो सवार एक कार में टक्कर मार दी। ड्राइवर ने उतरकर पूछा तो रिवाल्वर दिखा दी। कार सवार ने रिवाल्वर छीनकर वीडियो रिकॉर्ड कर ली और कार सवार लड़खड़ाता नजर आ रहा है। घटना बीती देर रात की है। लखनऊ में भी देर रात एक हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यहां भी स्कॉर्पियो कार सवार ने स्कूटी से आ रहे एक दंपत्ति को कुचल दिया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त उनके 2 बच्चे भी मौजूद थे। इस हादसे में सभी लोगों की मौत हो गई है। तो हम आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे तेज रफ्तार गाड़ियों ने जान ले ली है। पहली तस्वीर गाजियाबाद से है, वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जान ली है। आपको बता दें कि नशे में धुत स्कॉर्पियो चालक ने मौत के घाट उतार दिया है। तो आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, पहली तस्वीर गाजियाबाद से है, वहीं दूसरी तस्वीर लखनऊ से है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता कलीम जुड़ेंगे। कलीम, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से सड़कों पर लग्जरी गाड़ियों की रफ्तार है उसमें किसी तरह की कोई लगाम नहीं लग पा रही है। भले ही ट्रैफिक पुलिस उस पर लगाम लगाने का दावा कर रही हो, लेकिन दावों की पूरी तरीके से पोल भी खुल रही है, क्योंकि जो तस्वीर है वो है लग्जरी गाड़ी स्कॉर्पियो की, जो राजधानी लखनऊ के विकास नगर कुर्सी रोड स्थित गुलाचीन मंदिर के सामने की है।
क्योंकि जो एक इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया उसमें साफ देखा जा रहा है कि एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो सवार तेज रफ्तार में आता है और स्कूटी सवार को जोरदार टक्कर मारता है, जिसमें दो मासूम बच्चे दूर गिर जाते हैं। लेकिन इस दौरान जो दंपति है वो गाड़ी के नीचे फंस जाते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो सवार गाड़ी न रोकते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए भागना चाहता है। लेकिन इसी दौरान जब गाड़ी अनियंत्रित होती है तभी एक खंभे से टकरा जाती है, जिस दौरान दोनों दंपति उस गाड़ी की चपेट से छूट पाते हैं। फिलहाल जिस तरीके से उनको घसीटा गया वो लगभग 100 मीटर की दूरी थी, जिस दौरान जितना उनको घसीटा गया। उस दौरान जो सड़क किनारे लोग सो रहे थे, जब उन्होंने इस आवाज को सुना तब वो लोग जागे, तब तक जो स्कॉर्पियो सवार था वो मौके से भाग निकला था। फिलहाल उन राहगीरों की तरफ से जो लोग सड़कों पर सो रहे थे उनके द्वारा पुलिस को इस मामले में जानकारी दी गई, तो पुलिस ने उन सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचाया था, जहां पर इलाज के दौरान सभी की मौत हो गई। फिलहाल इस मामले की जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी तो परिजनों में कोहराम मच गया और सभी लोग सीतापुर से लखनऊ के लिए रवाना हो गए। इस दौरान जो बताया जा रहा है कि मृतक टेंट का काम करता था और मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण भी कर रहा था। लेकिन इस हादसे के बाद से एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से स्कॉर्पियो चालक ने उन चारों को मौत की नींद सुलाई, तो इसमें बड़ी बात यह रही कि सभी लोग गाड़ी के अंदर शराब का सेवन कर रहे थे, क्योंकि वहां पर जो लोग थे उन्होंने साफ बताया कि जिस तरीके से गाड़ी चालक ने इन लोगों को टक्कर मारी थी और जब उन लोग उन्होंने जब गाड़ी से उतर कर देखा था तो उन लोगों ने किसी को भी हॉस्पिटल ना पहुंचाकर गाड़ी लेकर फरार हो गए थे और सभी के हाथों में दारू देखी गई थी। फिलहाल इस मामले में पुलिस भी जो जांच कर रही है वो जांच ड्रिंक एंड ड्राइव के मामले पर पूरी कार्रवाई कर रही है। लेकिन जो गाड़ी का नंबर सामने आया था उस गाड़ी के नंबर के आधार पर पुलिस ने एक लोगों को तो हिरासत में ले लिया है, जबकि तीन लोग अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इस मामले का संज्ञान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया और इस मामले में कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। लेकिन अब जो बात है, जो हादसा हो गया उस हादसे के पीछे जो रफ्तार रही उस रफ्तार पर आखिर लगाम लगा पाएगी पुलिस? कलीन प्रशासन में देखिए बड़ा सवाल भी उठता है, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है तो क्या कुछ मुआवजा देने की बात कही गई है? देखिए जो संज्ञान लिया गया है उसमें केवल कार्रवाई की अभी तक बात कही गई, लेकिन मुआवजे का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन जो मृतक का परिवार है, मृतक के परिवार की ओर से साफ कहा जा रहा है कि उनको इस मामले में मुआवजा दिया जाए और जो परिवार की है आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनकी सहायता की जाए और आरोपियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई, जिसको लेकर परिवार के बीच पूरी तरीके से मातम का माहौल छाया हुआ है। लेकिन इसमें सवाल उठता है कि आखिर जो सड़कों पर देर रात जो लग्जरी गाड़ियां फर्राटा भरती हुई नजर आती हैं और शराब का सेवन करते हुए जो गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आती हैं, पुलिस दावा करती है कि रात को चेकिंग की जाती है और जिस तरीके से जो लोग शराब का सेवन करते हुए गाड़ियां चलाते हुए पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये जो घटना हुई है इस घटना ने पूरी कहानी ही पलट दी है, क्योंकि पुलिस जो दावा करती है उस दावों की तस्वीर अलग होती है और ये तस्वीर अलग है। कलीम ने कि सबसे बड़ा सवाल है कि स्कॉर्पियो चालक अभी भी फरार है, अभी भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए इस मामले में जो चीजें सामने आ रही हैं, क्योंकि केवल गिरफ्तारी एक की हुई है लेकिन गाड़ी के अंदर चार लोग बताए जा रहे थे। फिलहाल जिसकी एक की गिरफ्तारी हुई है उससे पुलिस पूछताछ कर उन अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी का दावा कर रही है, लेकिन समय बीतता जा रहा है और आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि जितना भी आरोपियों को पुलिस की गिरफ्त से समय मिलता है उतना ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त से और दूर होते हैं। लेकिन इस मामले में देखना यह होगा कि जिस तरीके से पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर एक को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो उसमें और लोग थे क्या उनकी भी गिरफ्तारी होगी? क्योंकि केवल चालक की ही जिम्मेदारी नहीं होती है, क्योंकि जब हादसा हुआ तो हादसे में जो लोग और बैठे थे उनके भी नाम उसमें शामिल होने चाहिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई, क्योंकि जब आपने देखा हादसा हुआ तो उस हादसे के बाद उन घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता, लेकिन आपने उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाने के बजाय गाड़ी लेकर जाना उचित समझा। फिलहाल इस मामले में अब गिरफ्तारी तो हो गई है और गाड़ी भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है, लेकिन जो कार्रवाई है वो कार्रवाई देखना होगा कि आखिर इसमें और क्या कुछ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। क्या केवल ड्रिंक एंड ड्राइव और एक्शन को लेकर के कार्रवाई होगी या फिर इस मामले में कुछ और भी एक्शन लिया जाएगा? जी कलीम बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
फरीदाबाद में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता सीएम फ्लाइंग को बड़ी सफलता हासिल हुई है। टीम के द्वारा मादलपुर कुरेशीपुर के पंचायत के गांव नवनिर्वाचित सरपंच खलील के 10वीं कक्षा के प्रमाण पत्र फर्जी प्राप्त हुए हैं। नामांकन के समय जमा करवाया गया साल 2011 का हरियाणा राज्य ओपन बोर्ड ऑफ स्कूलिंग का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। इस बारे में आज धौस थाने में मुकदमा नंबर 155 दर्ज करवाया गया है, जिसकी आगामी जांच स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी। दस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर जब जांच की गई तो मादलपुर कुरेशीपुर गांव की जो संयुक्त पंचायत है वहां के जो अभी नवनिर्वाचित जो सरपंच हैं उनका नाम है खलील, वो रहने वाले कुरेशीपुर के हैं वैसे, उनके द्वारा जब नामांकन भरते समय जब जो डिग्री दी गई थी वो डिग्री उन्होंने 10वीं क्लास का हरियाणा ओपन बोर्ड ऑफ स्कूलिंग का एक सर्टिफिकेट लगाया था, जिसके बारे में जब अब जांच के दौरान जब वेरीफाई करवाया गया तो वो सर्टिफिकेट फर्जी निकला। बोर्ड की तरफ से लिख के आया कि वहाँ से इशू नहीं है ये सर्टिफिकेट, और सरपंच साहब दलील दे रहे थे कि उनको जिसने करवाया था, जिस बंदे ने करवाया था, कि उसने बाकायदा ऑनलाइन भी दिखाया। गाजियाबाद में पुलिस ने 4 लोगों को संगीन और 18 लोगों को शांति भंग की आशंका में जेल भेजा है। ये वो लोग हैं जो सड़क चौराहे पर खड़े होकर आती जाती बच्चियों और महिलाओं को छेड़ते थे और फतियां कसते थे। बता दें कि थाना टीला मोड़ा क्षेत्र के एक नाबालिग छात्रा ने पुलिस को कंप्लेंट भी की और स्कूल और ट्यूशन जाते समय बदमाश उसे परेशान किया करते थे। इसके बाद इलाके के DCP विवेक यादव ने 2 दिन सादे कपड़ों में यहाँ रेकी की, उसके बाद यहाँ से 22 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड के बाद पुलिस का ये सख्त रूप देखने को मिला है। 2023 को थाना टीला मोड़ पे एक शिकायत प्राप्त हुई एक युवती द्वारा, जो कि गरिमा गार्डन क्षेत्र की रहने वाली है। इनके द्वारा ये बताया गया कि उक्त गरिमा गार्डन क्षेत्र में चौराहों पे कुछ लड़के खड़े रहते हैं जो आते जाते इनको परेशान करते हैं, छेड़खानी जैसी घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करते हैं। उक्त घटना को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा उस अभियोग के संदर्भ में 4 अभियुक्तों की अभी तक गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जा चुकी है, परंतु इस पूरी घटनाक्रम को काफी गंभीरता से इस पे विचार। लखनऊ के लॉरी कार्डियोलॉजी में नर्सिंग स्टाफ ने प्रदर्शन किया है। वार्ड बॉय से आहत होकर नर्सिंग स्टाफ द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कल देर रात वार्ड बॉय द्वारा नर्स से बदसलूकी की गई थी, उसके बाद अब नर्सिंग स्टाफ पर ही दबाव बनाया जा रहा है। तो बता दें कि खबर लखनऊ से है, जहां लॉरी कार्डियोलॉजी में नर्सिंग स्टाफ का प्रदर्शन जारी है। वही वार्ड बॉय से आहत होकर स्टाफ ने प्रदर्शन किया है। लड़की का कहना है कि वार्ड बॉय लगातार उसे परेशान करता था, उसने बीती रात बदसलूकी की थी, जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया है। तो लखनऊ के लॉरी कार्डियोलॉजी में नर्सिंग स्टाफ ने प्रदर्शन किया, वार्ड बॉय से आहत होकर नर्सिंग स्टाफ द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कल देर रात वार्ड बॉय द्वारा नर्स से बदसलूकी की गई थी, उसके बाद अब नर्सिंग स्टाफ पर ही दबाव बनाया जा रहा है। पीलीभीत में दशहरा पर्व पर भारी संख्या में शारदा नदी महाराज नगर घाट पर पधारे भक्तगण ने आस्था की डुबकी लगाई। आपको बता दें कि कल दशहरा के मेला को भक्तगणों ने बड़े हर्ष और उल्लास से दशहरा का त्यौहार मनाया। वहीं पर शारदा नदी पर स्नान करने गए कई युवकों की नदी में डूबकर मृत्यु हो गई। अचानक हुए हादसे में क्षेत्र में खलबली मच गई। कई घंटा रेस्क्यू टीम शव को ढूंढती रही लेकिन शव को बरामद नहीं कर पाई। वहीं अगले दिन परिजन लोग मौके पर पहुंचे, जहां पर गोताखोरों की लापरवाही नजर आई। काफी घंटों तक इंतजार करते रहे लेकिन रेस्क्यू टीम मौके पर नहीं पहुंची। कई फोन करने के बाद पुलिस रेस्क्यू टीम को मौके पर पहुंची और शवों की तलाश में नदी में छलांग लगा दी और कड़ी मशक्कत के बाद मल्लाहों ने बचाया, जिसमें गोताखोरों की आज 3 शव बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने पंचनामा करके परिजनों को सौंप दिया है पोस्टमार्टम के लिए। वहीं परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। अभी तक एक युवक का शव बरामद नहीं हुआ। गोताखोर लगातार अभी प्रयास में जुटे हुए हैं, जल्द ही शव को बरामद कर लेंगे। अच्छा, कहाँ की डेड बॉडी है? एक हमारे गांव निजामपुर की है और एक मालूम नहीं कहाँ की। क्या नाम था उसका जिसके आपने जिसका मालूम है आपको? हम हैं रजनीश कुमार। रजनीश कुमार, 3 डेड बॉडियां प्राप्त हुई आज यहाँ से। जी अच्छा, ये मतलब कब ये डूबे थे लड़के? कल यहाँ जो दशहरा का जो मेला लगा हुआ था उसी उपलक्ष्य में ना जी। ओके, थैंक यू। कल श्रद्धा की डुबकी लगाने आए थे जी।
गंगा मैया का स्नान करने, तो अचानक इन लोगों को जैसे जानवर बैठे थे उनके चक्कर में वहां घुस गए स्नान करने, और थोड़ा नाव के चक्कर में आगे बढ़ गए, और आगे गहरा पानी था वहां पर तैरना जानते नहीं थे और इनकी डूब कर मृत्यु हो गई। अच्छा अच्छा, ऐसे कल पूरा दिन गोताखोर ढूंढते रहे तो कामयाबी मिली नहीं, कल कोई कामयाबी नहीं मिली। कल एक डेड बॉडी मिल गई थी निजामपुर की, तो अभी आगे जो के बाकी आज मिली, अभी जो एक डेड बॉडी रह गई, अभी क्या उम्मीद लग वहाँ के हैं खुड़ार के। नमस्कार, आपको बताते चले कि कल दशहरा पर्व पर यहाँ पर भारी संख्या में भक्तजनों की जो यहाँ पे सभी मौजूद थे, जिसके चलते भक्तजन लोग यहाँ पे अपने श्रद्धा की डुबकी लगाने आए हुए थे। यहाँ पर तीन से ज्यादा पांच लोगों की डूबकर मृत्यु हो गई है कल के दिन पर, जो कि यहाँ पर अपनी श्रद्धा की डुबकी लगाने के लिए आए थे। युवक की पांच लोगों की डूबकर यहाँ पर मृत्यु हो गई है, जिनके तीन लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, और कल एक पहले ही शव बरामद कर लिया गया था, लेकिन अभी तक एक शव नहीं मिला है। अब देखना ये होगा कि एक शव जो लाश बचा है वो कितनी देर तक मिलता है और कितनी मशक्कत अभी करनी पड़ सकती है। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत करमपुर के समीप एक तेज रफ्तार वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पर तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस ने घायलों को 50 शैया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो महिलाओं की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें सैफई के लिए रेफर कर दिया गया। बता दें ये लोग शादी समारोह से लौट कर अपने घर वापस जा रहे थे। भैया क्या नाम है आपका? गौरव जी, बताइए जो हादसा हुआ है ये क्या मामला है? लोग कटौन से घर के लिए लौट रहे थे, तभी अचानक से ट्रक में टक्कर मार। घर कहाँ पर है? घर अजीत महल। तो जो ये रहे नहीं है भाई, इनका नाम क्या है? श्री राम नरेश। इनके पिताजी का नाम? पिता श्री राधा। अच्छा, जो घायल हैं उनका नाम बताइएगा। घायल सुषमा देवी और मेरी मम्मी है प्रभा देवी। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं सभी लोग? खेतोपुर। ये हादसा कैसे हुआ है? हादसा जो बाइक से हुआ है और ट्रक से टक्कर मार। अच्छा, कहाँ पर हुआ ये हादसा? करमपुर। घटना घटी है, क्या मामला हुआ है? थाना कोतवाली और ये करमपुर के पास में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि राम नरेश दोहरे जो अपने भाभी और अपनी वाइफ के साथ में कल जो है कुठौन डिस्ट्रिक्ट में शादी में गए हुए थे, आज सुबह लौट रहे थे। सुबह किसी अज्ञात वाहन से पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें गंभीर रूप से तीन लोग घायल हुए थे। सूचना पर जो है एम्बुलेंस और पुलिस मौके पर पहुंची थी और इनको जो है जिला अस्पताल और ये भर्ती कराया गया था, जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा राम नरेश को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं पर जो है सब का पंचनामे की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवा दी गई और जो गंभीर रूप से घायल। यूपी के कौशाम्बी जिले में खेत में युवक का खून से लथपथ शव मिलने से सनसनी मच गई। लोगों ने सुबह खेत में शव देखा तो हड़कंप मच गया। युवक की सीट कूच कर हत्या की गई है, मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। छोटी बनने के बाद मुजाहिदपुर गाँव में खेत में एक अज्ञात युवक लगभग 20 वर्ष है, उसका शव मिला है और उसको मारा गया है। प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है फिर? अब ये जांच के अनुक्रम में ही पता चलेगा कि क्या मामला है। ये है कि वहाँ पत्थर और डंडे से उसको मारा गया है। ये वहाँ लखनऊ में बड़े मंगल के दिन हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिली। लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र के छाछी कुआं हनुमान मंदिर में बड़े मंगल के मेले में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भाई बहनों ने भी बराबर की शिरकत करके गंगा जमुना की मिसाल पेश की है। वहीं बड़े मंगल के मेले में उपस्थित हुए ADCP पश्चिम चिरंजीव नाथ सिन्हा ने सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।